नमस्कार मित्रों, सीपीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानकारी लेके आए हैं, रीट भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्जाम कब तक होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस यूट्यूब चैनल पर रीट भर्ती की हर अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। साथियों, अभी प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इसी वजह से प्रदेश में आचार संहिता भी लगी हुई है, इसलिए शिक्षा विभाग ने रीट भर्ती की फाइल मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेजी थी। इलेक्शन कमीशन ने उस फाइल पर कुछ आपत्तियां दर्ज की है, जिसका जवाब है वो शिक्षा विभाग को देने के लिए कहा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने वापस फाइल वो शिक्षा विभाग को भेज दी है, यानी रीट भर्ती की मंजूरी नहीं दी है। इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रीट भर्ती की जो विज्ञप्ति है चुनावों के खत्म होने के बाद ही आएगी, यानी 15 दिसंबर के बाद इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद एक डेढ़ महीना तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी मोटे तौर पर मान सकते हैं जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए 3 माह का समय मिलेगा, यानी विज्ञप्ति के बाद, यानी जनवरी फरवरी यानी मार्च तक आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद इसके एग्ज़ाम होंगे, यानी अप्रैल में किसी हालत में एग्ज़ाम नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, इसी वजह से रीट के एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में महीना बचता है मई महीने में कभी भी रीट भर्ती की है जो परीक्षा है हो सकती है, दूसरे सप्ताह में हो, तीसरे सप्ताह में हो, कभी भी मई महीने में रीट भर्ती का है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।